यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। माता प्रसाद जी, आज आप बहराइच जाने वाले थे पर वहां से कागज आ गया, आपको जाने की अनुमति नहीं। क्या कारण है, क्या बताया गया, क्यों नहीं जाना है आप? देखिए, उन्होंने बताया है कि आपके आने से यहाँ की कुछ शांति व्यवस्था में कोई बाधा पैदा हो जाएगी, जो ठीक कर रही हो बिगड़ जाएगा, और हमसे उन्होंने अनुरोध किया है कि आप ना आइए। तो मैं इसीलिए वहाँ जाना तो चाहता था, लेकिन अब जाएंगे तो जिले के अंदर जाने नहीं देंगे, बॉर्डर पर रोक देंगे। तो बॉर्डर पर जब रोक देंगे तो अनावश्यक वहाँ कन्फ्रंटेशन होगा। तो इसको बचाने के लिए और हमको ये बताया गया है कि 2-3 दिन बाद आप आइए। ये किसने कहा आपसे? हमसे ने, हमारे सिक्योरिटी ने कहा है। अच्छा। कि डीएम से बात हुई है, डीएम रिक्वेस्ट किए हैं। अच्छा। कि 3-4 दिन बाद हमें सिक्योरिटी ने बताया, हमको लिखित नहीं मिला है। अच्छा। मतलब आप 2-3 दिन बाद जाएंगे तो फिर आपको जाने की अनुमति मिलेगी? आप देंगे कि चाहे नहीं देंगे तब भी मैं 3 दिन बाद जाऊंगा। आज का जो कार्यक्रम आपका आया था, आप उस गांव में जाने का तो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, आप तो जिले में? तो इसलिए नहीं भेजा था, लेकिन मैं वहाँ राम मंगली जाता और अपने कार्यकर्ताओं से मिलता, और अगर हमें वहाँ से जाने की वहाँ तक अनुमति देते तो मैं जरूर जाता, और जब वहाँ जाता तो मैं प्रयास करता कि हर जगह चला जाऊँ वो देख। आप दोनों पक्षों के बीच में जाना चाहते तो उनका चाहते? देखिए, ये जो घटना है ये पुलिस की उदासीनता और लापरवाही की घटना है। प्रशासन में जिस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, जो अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा है, अगर हम वहाँ तो गए नहीं, देखे नहीं हैं, लेकिन जो अखबारों में पढ़ा है उससे ये लग रहा है कि प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना टल सकती थी। प्रशासन ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके नाते ये घटना हो गई। मेरी मांग है इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, और जाँच करा के दो जो भी इसमें दोषी हों उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उच्च स्तरीय मांग के लिए आप सीएम से भी इसको लेकर कोई गुजारिश? अभी तो आज अभी तो यही आपसे कर रहे हैं, इसके बाद हम फिर सीएम को भी चिट्ठी लिखेंगे, सब जगह। आज आप फिलहाल वहां तो नहीं जा रहे हैं? आप नहीं जा रहे हैं आज फिलहाल? नहीं, पर 2-3 दिन बाद अगर फिर आपको जाने की अनुमति नहीं देंगे तब भी जाएंगे, चाहे गिरफ्तारी कराना पड़े तब भी जाएंगे। पहली बार आप वहाँ जाने का प्रयास करिए, इसके पहले भी आपने प्रयास? इसके पहले भी प्रयास किया था, तो एसपी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। हाँ, एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार आपको मना किया गया। फिर अगले 2-3 दिन में? हाँ ठीक। अच्छा, ये जो घटना हुई जिस तरीके से, क्योंकि एक पक्ष, मतलब दोनों पक्षों का एक दूसरे के ऊपर आरोप है कि एक दूसरे की गलती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी गहराई से उच्च स्तरीय जाँच हो जाए, जो भी दोषी हों उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा, पुलिस ने जो कार्रवाई की, जिस तरीके से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, हाफ एनकाउंटर हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब उसके बारे में मैं वहाँ जाके कुछ जानकारी तो प्राप्त नहीं कर सका, आप जो बता रहे हैं अखबारों में जो वही मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हो रहा है अब किस स्तर तक सही है, इसकी गंभीरता से मैंने जाँच तो की नहीं है, आप ही बताएं। लेकिन जहाँ तक इनकाउंटर की बात है, ये आम बात है, ये इनकाउंटर नहीं है तो पकड़ के पैर में गोली मारने की बात है, और इस सरकार में बड़ी घटनाएं ऐसी हो रही हैं, और इनकाउंटर नहीं हो रहा बल्कि हत्याएं हो रही हैं इसी में। अच्छा, वहाँ इस तरीके की जो, मतलब मूर्ति विसर्जन की जो प्रक्रिया लगभग 30 सालों से चल रही थी, इस बार ही ऐसी घटना हुई, तो क्या आप इसके पीछे कोई साजिश की भी आशंका जताते हैं? देखिए, अगर पुलिस बल हर साल, अब हमें तो जानकारी नहीं क्योंकि वहाँ के लोगों से मेरी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन मैं जब वहाँ नहीं गया हूँ तो इसके बारे में कैसे बता सकता हूँ, जब वहाँ के लोगों से पूरी बात हो जाएगी तब पता चलेगा। बिल्कुल, तो मतलब शुक्रिया बात करने के लिए। आप माता प्रसाद जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि फिलहाल उनको वहाँ जाने से रोक दिया गया है, पर वो 2-3 दिन बाद फिर वहाँ जाने की जो कोशिश है वो करेंगे, और वहाँ जाकर दोनों पक्षों से मुलाकात कर और उनकी जो दुख दर्द है उनको समझेंगे, और इस पूरे प्रकरण में उन्होंने उच्च स्तरीय मांग की भी, उच्च स्तरीय जाँच की भी मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ।